इंडियन मेडिकल एसोसिएशन IMA और चंडीगढ़ के रोटरी क्लबों ने शहर में कैटेगरी डांस को बढ़ावा देने के लिए एक जागरूकता अभियान की शुरुआत की है, जो कि संभवतः कई टालने योग्य मौतों को बचा सकता है। इस अभियान का उद्देश्य PGI, GMCA जैसे सरकारी संस्थानों का समर्थन करना है, जो कि शव दान बढ़ाने के लिए विभिन्न रूप से पहल कर रहे हैं। गौरतलब है कि तमाम कोशिशों के बावजूद मृत अंग दान भी नाम मात्र का ही है। इसके साथ ही रोटरी क्लब के अध्यक्ष सुनील कांसल ने शव दान को बढ़ावा देने की आवश्यकता के ऊपर आइए जानते हैं कि क्या कहा। ऑर्गन डोनेशन की आज है कि बहुत ज्यादा जरूरत है, और इसी ऑर्गन डोनेशन की जरूरत और नीड को देखते हुए रोटरी क्लब दिल्ली मंथन ने एक इनिशिएटिव लिया, डिस्ट्रिक्ट 3011 है रोटरी की इनिशिएटिव लिया है कि हम एक मल्टी डिस्ट्रिक्ट रोटरी की मल्टी डिस्ट्रिक्ट एक अवेयरनेस ड्राइव कर रहे हैं, रोड ट्रिप निकाल रहे हैं ऑर्गन डोनेशन के लिए। ऑर्गन डोनेशन आज की जरूरत इसलिए है कि देर आर नॉट मैनी पीपल, बहुत सारे लोग हैं कि जिनको ऑर्गन की, किडनीज की, लीवर की, हार्ट की जरूरत रहती है, लेकिन है कि उनको अवेलेबल नहीं हो पाता, और है कि वो अपना है कि उनकी है कि मौत हो जाती है ऑर्गन के बिना, लेकिन है कि हम ये चीज़ें डोनेट कर सकते हैं, और इसकी अवेयरनेस फैलाने के लिए ही, लोगों को मोटिवेट करने के लिए ऑर्गन डोनेशन में, तो इसलिए ये मुहिम चलाई है। ये मुहिम हमारे डिस्ट्रिक्ट में आज चंडीगढ़ से हमने अपने डिस्ट्रिक्ट में शुरू की है, इसके बाद यहाँ से टीम अम्बाला जाएगी, फिर यमुनानगर, फिर देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार होते हुए ये वापस एम्स दिल्ली में नोटो के सेंटर पे जाएगी। तो ये हमारा मुहिम है कि आने वाले है कि ऑर्गन डोनेशन आज हमारे पास है कि तकरीबन लोग रोज 20 लोग ऑर्गन की कमी के कारण मौत का शिकार हो रहे हैं, और हमारे देने वालों की लिस्ट लगातार बढ़ती जा रही है, हर 10 मिनट में एक लोग वेटिंग लिस्ट में ऐड हो रहा है। तो हमें इसको है कि बड़े लेवल पे इस काम को, ऑर्गन डोनेशन को। अब आइए जानते हैं कि IMA में मीडिया को संबोधित करते हुए IMA के अध्यक्ष डॉक्टर RS बेदी ने क्या कहा। यहाँ पर देखिए, पहले तो जैसे कि हमारे डिस्ट्रिक्ट गवर्नर डिस्ट्रिक्ट 3080 के श्री रोटेरियन अरुण मुंगिया जी ने बताया कि ऑर्गन डोनेशन की जो रिक्वायरमेंट है बहुत ज़्यादा है, और जो आपका सवाल है कि इतने लोगों को एक ऑर्गन डोनेशन से फ़ायदा हो सकता है, तो 8 लोगों को हम एक जो डिसीज आदमी है वो ऑर्गन डोनेट कर सकता है। यहाँ पर हम चंडीगढ़ में हमने ये एक अवेयरनेस प्रोग्राम और एक प्लेज जो हम आज लेंगे, जहाँ पर नए जो ऑर्गन डोनर्स हैं उनको हम रजिस्टर करेंगे। ये जो इनिशिएटिव लिया गया है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन चंडीगढ़ के द्वारा, रोटरी जो है, जो Zone 5 है, जो रोटरी के, जो चंडीगढ़ के जो क्लब्स हैं उनके द्वारा, इसमें मैं समझता हूँ कि मीडिया का भी अवेयरनेस फैलाने में बहुत बड़ा हाथ है। आइए आज और अभी एक हीरो बन जाइए। के होया भाई, कैसे परेशान? अंगदान महादान कैंपेन में रजिस्ट्रेशन करवाइए और किसी का जीवन बचाइए। अरे ये अंगदान महादान के हो गए हैं, दिन में 4-4 टाइम 8-8 रोटी खाके जिम जाके इतनी मेहनत से यू बॉडी बनाई से, और तुम चाहो कि मैं अपने अंगदान दान कर दूं? अरे मन ने ना कोई दान मान करने का शौक से और ना ही महान बनने का। अंकल जी अंगदान महादान कैंपेन में रजिस्ट्रेशन करवाना चाहेंगे? बेटा मुझे तो कोई दान मान नहीं करना, लेकिन मेरे बेटे का दिमाग ले लो, इसमें सिर्फ भूसा भरा हुआ है। हेलो सर, हेलो मैम, क्या आप ऑर्गन डोनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन करना चाहेंगे? वो एक्टिव उमदा है सर, जब आप अपना जीवन अच्छे से व्यतीत करके स्वर्ग लोक में जाते हैं, तो आपके शरीर के वो हिस्से जो दान हो सकते हैं किसी जरूरतमंद को दान कर दिए जाते हैं, जिससे कि उनकी जान बचाई जा सके या आसान बनाई जा सके। अच्छा मैडम, ते जिवें की दान करोगे तुसी? सर,
जैसे कि आपकी आंखें, किसी को दान देकर किसी की आंखों की रोशनी को वापस लाया जा सकता है। अरे हमें क्यों सटी अखा किसी नु भी दान कर दोगे? सटी अखा विच ते सटी पे भी रहती सिवा किसी नु भी वेख दिया ते ना ही वेखांगी। अरे मैडम आप तो समझिए, अगर आप अपनी आंखें दान देती हैं तो आपकी मृत्यु के बाद भी आपकी एक खूबसूरत आंखें इस संसार को देखती रहेंगी। ओ जी मैं क्या देखा, जैसा मेरे बीबी के अंदर वो सेम टू सेम तुझसे समझ लो है ना बीबी? हाँ। बेटे को नहीं बचा पाए। नहीं डॉक्टर, नहीं। अपने आप को संभालिए सर। और डिस्चार्ज के डॉक्यूमेंट तैयार करवाइए। सर आप बुरा ना माने तो एक बात कहूँ। जी कहिए। देखिए हमारे हॉस्पिटल में एक बीमार बच्चा है जिसे ऑर्गन ट्रांसप्लांट की सख्त जरूरत है। तो इस पर मैं क्या कर सकता हूँ? देखिए मृत्यु के बाद लगभग 4 से 5 घंटों तक हमारे शरीर के बहुत से अंग जीवित रहते हैं जिन्हें समय रहते अगर किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दान दे दिया जाए तो उसे बचाया जा सकता है। तो ये सारी बातें आप मुझे इस समय क्यों कह रहे हैं? क्योंकि आपके बेटे का लिवर उस बीमार बच्चे के लिवर से मेल खाता है जिसे ऑर्गन ट्रांसप्लांट की सख्त जरूरत है सर। नहीं नहीं डॉक्टर, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। नहीं डॉक्टर। सर समझने की कोशिश करिए, वो एक छोटा सा बच्चा है सर। नहीं डॉक्टर, नहीं नहीं नहीं। पापा सुनो, पापा डॉक्टर की बात मानो। पापा मैं उस बच्चे को देखकर आ रहा हूँ, तकलीफ में तड़प रहा है, आप उसी का जीवन बचा लो। पापा पापा आप हमेशा कहते आए हैं ना दूसरों के लिए दिया गया जीवन एक महान जीवन होता है। पापा ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के